सरकार जिनका ईमान है उनके मुताबिक सरकार फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
सुभान अल्लाह का फजल है लोगों का, फरमान है उनके फजल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिस कबीले की बस्ती से गुजरती आगे बढ़कर कबीले वाले आश्रम के सरकार हमारे मेहमान बन जाएगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, ये जो व्यक्ति है ये मामूर है अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये मामूर है, इसको हुक्म दिया गया है, जहां रुकेगी मैं वहीं क्या करूंगा। तो हम उठने चलते चलाते अब जहां मस्जिद नबवी शरीफ है वहां आकर बैठ गई। उस मकान से सबसे ज्यादा करीब घर अगर अबू यू अंसारी से मामला है, यह मुकद्दस शक्ति है जिनके मुकद्दम है। तो आलम के सरदार से जना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी आई, यह खुशी खुशी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करारा खोलकर उर्दू का सामान लेकर अपने घर में चले गए। ये जानते थे कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर की दो मंजिलें थी, पहली नीचे की मंजिल और ऊपरी मंजिल, इनके ख्याल में सरकार ऊपर है, ग्राहक का दफावा यही था गुलाम नीचे आता होगा। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की सहूलत के पेश नजर हुक्म दिया, मैं नीचे रहूंगा क्योंकि अगर मैं ऊपर रहूंगा तो नीचे रहोगे तो लोग मेरे पास आना चाहेंगे, तुम्हारे गुस्से से होकर गुजरना पड़ेगा, तुमको तकलीफ हो क्या। मेरे आका तरह का ख्याल रखने वाले क्या, मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान मुबारक पे गौर करो, किसी को तकलीफ ना। और सिखाया है अगर किसी के मेहमान हो तो मेहमान को किस तरह का सलूक अपने मेहमान के साथ अदा करना चाहिए, हुजूर की जो है पसंद को तरजीह देते थे साहब, और हजारों सरकार आगे से पसंद करो। तो आका अलैहिस्सलाम नीचे रहने लगे, हजरत अबू की अंसारी और उनकी बीवी ऊपर, दो वक्त सरकार की खिदमत में लोग खाना पेश करते, सरकार खाने के बाद जो उनका भी छोड़ते उसमें वो सरकार के छूटे में खाना खाते, सरकार के जहां उंगलियों के निशान होते निकालेंगे वहीं से वो लोग निकाले उठाते थे, अपने लिए सबसे बड़ी सारा समझते थे सरकार पास वस्तु की मेहमान। और एक मौके पर ऐसा हुआ सर्दी का मौसम था, हजरत अबू अंसारी के ऊपर की मस्जिद का एक मिट्टी का बर्तन पानी का टूट गया, पानी फैल गया, मिट्टी का घर हुआ करते थे पानी दस का पड़ता था दस बोकर, तो ख्याल आया कि दस बोकर तबकेगा तो सरकार को तकलीफ होगी। तो सर्दी का मौसम है, एक लिहाज उन मियादमी के पास था जिसको ओढ़कर वो अपनी सर्दी को जो है रोका करते थे, वो लिहाज जो है पानी में डुबो दिए और सारा पानी उसमें जस्ट कर लिया, एक अभी पानी के बढ़कर नीचे आकर वो बनता हूँ सारी रात उस सर्दी के आलम में बना लिहाज के तक के बाद गुजरा हूँ। सुभान अल्लाह क्या होता है, क्या चाहत है, क्या इसका है, उसको कहते हैं महबूब के लिए अपन तकलीफ खाए इज्जत खाए तो उसको राहत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कयाम फरमा हुए तो सारे मुहाजिर सहाबा भी मदीने शरीफ में आ गए, तो सबसे अहम मसला था वो था नमाज के लिए इंतजाम करना, तो वहां मस्जिद की जरूरत दरपेश थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने कायनात की सबसे मुकद्दस तरीन मस्जिद जिसको मस्जिद नबवी शरीफ कहते हैं उसकी बुनियाद की, जहां मस्जिद नबवी शरीफ बनी हुई है तो काफी बड़ी होगी, असल जो मस्जिद बनी थी वो कबीले बनी अंजार के लोगों की एक जमीन थी, वो यतीमों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यतीमों को तलब फरमाया और उनसे कहा कि मस्जिद के लिए हम ये जमीन उनसे खरीदना चाहते हैं, तो वह गुजार हुए क्या सुनता आप इसको हकीकत हम सब पूरे फरमा सरकार फरमाया नहीं, हजरत अबू बकर को किया कि अगर इसकी कीमत अदा कर तो यतीमों को कीमत अदा करनी थी, यहां और एक मसला मालूम हुआ कि अगर हम अल्लाह का घर भी बनाना चाहते हैं मस्जिद नबवी से ज्यादा मुकद्दस तो पूरे इलाके का नहीं कहना, तो उस मस्जिद के क्याम के लिए भी सरकार ने इस बात को नियाम करा दिया तो उसके बिना अदा नहीं है। मुझे लगता हूं कोई साहब है किसी का घर है मस्जिद से मुतसिल, लोग चाहते हैं कि उसको मस्जिद में शामिल कर लें और मस्जिद को सादा कर दें, बड़ी अच्छी बात है, तो उनको कहते हैं कम में भेज दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, जहां मजबूर होता है उसके हालात नहीं होते, अल्लाह उसको देता तो कर भी देता, या अगर वो छोटा दिल भी कर रहा है तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई वो अल्लाह के घर के लिए रहा है, अरे भाई आपके दिल में जरूर है आप दो तुम भी कीमत कम करो, नहीं करो तुम कीमत कम करो, सच कम दे दो उसको मजबूर कर दे, दिल के सामने कोई मजबूरी नहीं होती, तो ऐसा अमल नहीं होना चाहिए। मैं कई मौकों पर ऐसी बातें सुना, हम लोग आके बुराई बयान करते हो खुला सा है मस्जिद के बाद घर है उनका, वो नजर बड़ा मस्जिद बड़ी कर रहे हैं, बुरी बात है वो समझते हैं, ऐसा नहीं
वहां पर जा रहा है उनके लिए वही असासा होता है, मस्जिद कहीं में ना वो विचार कर एक ही होता है। बहरहाल सरकारी पास वसूल ने उसकी कीमत अदा की, वो जब खुदा जमीन था उसको कुछ खंडरात थे, मुस्लिमों की कबरें थी, तब से सरकार ने फरमाया कि जमीन हम साथ खंडर हो किए गए, कबरें फाड़ दी गई, सब काट दिए गए। उसके बाद मस्जिद जो कोई शरीफ की तामीर हुई, मस्जिद खुदा की जब तामीर हो रही थी तो उस मस्जिद की और फसीलत यह है जिसको अल्लाह ने फरमाया कि ये मस्जिद की दुनिया खत्म कर दी गई है, वो इस वजह से कि सरकार का सदस्य उसकी तामीर में बना सकता थी शरीफ को पत्थर गारा वारा जब मस्जिद की तामीर में लाया जाता तो मेरे आका को उठाकर जो है बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे, इतना मजबूत पत्थर उठा उठा देते थे मेरे आका का जिसमें मुबारक था मेरा का, तो सारा आगे बढ़कर पत्थर दे देते थे। सरकार को कहते थे सरकार आप उसी में हम ये काम कर लेंगे, लेकिन मेरा आका को पत्थर देकर दूसरा पत्थर भर के जाए। इस मौके पर अब्दुल्ला ने रोहान अरविंद को साल है जिसके माने ये है कि वो शख्स के लिए कामयाबी है जो मस्जिद बनाता है, जो सुबह शाम कुरान पढ़ता है और रातों को सोता नहीं रहा। तो मस्जिद की तामीर और उसकी फसीलत तामीर की क्या है उसको जाहिर करने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस अमल में शामिल हुए, उस काम में शामिल हुए। फरमान हुजूर उर्दू फरमान दे तो जो गुलाम जान देने के लिए तैयार है चार दीवारी उठाने उनके लिए क्या मुश्किल होता। लेकिन सिर्फ इसलिए था ताकि मस्जिद की तामीर की अहमियत रोशन हो। और याद रखो दुनिया में कोई काम होता है तो उसमें सब मिलकर अगर उस काम को अंजाम दे काम जल्दी भी होता है और हर एक के दिल में उस काम के लिए कितनी अहमियत है उसका अंदाजा होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं फरमाते थे कि लोग काम करते रहे और आका अलैहिस्सलाम जो है उसको मुलायदा फरमाते थे, हालांकि सरकार अल्लाह के नबी वो रसूल महबूब रब्बुल आलमीन थे और हुजूर का कार्य हुजूर जो था वो कुछ और काम था। ये जो दीवारें बनानी है या इमारत बनानी है ये नबूवत के काम नहीं, लेकिन मस्जिद बनाए ये नबूवत का काम, इसके लिए खुद आका का शामिल होना मस्जिद की तामीर की अहमियत पर वसीलत को जाहिर करता। अगर ये सादत अल्लाह ताला हमें से किसी को नसीब करे कि वो अल्लाह के किसी घर की तामीर में जिस्मानी तौर पर माली तौर पर या और कोई अंदाज से जो खिदमत भी अल्लाह के घर की सही हो रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी सादत है। ये बात वही समझ सकता है जिसके दिल में मस्जिद से मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान फरमा तो कुरान मजीद में वही वहां पे मसाजिद अल्लाह भी कि जो उस पर अल्लाह आखिरत पर ईमान रखता है वही मस्जिदों को आबाद रखता है। इन नमा या हम मसाजिद अल्लाह मनामा बिल्लाह को ये मिला, इन नमा या हम मसाजिद अल्लाह मनामा बिल्लाह को ये मिला, जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है वही मस्जिदों को आबाद करता है। मस्जिदों को बनाना एक अमल है उसको आबाद रखना है हमें, तो मस्जिद को बना दी सबों में ईमान की हरारत वालों ने मरना पुराना पापी और शरीर लगा दिया होना सका घरों के बाजू मस्जिदें होती है हरारत होती है। अवान के लोग कारण मस्जिद का हरारत रोज एक तस्वीर के साथ पर उसके पीछे क्या है जहन का फरमा है वो क्या है गलत मसला है इतना मलाम नहीं आ, लेकिन बात जरूर है कि कई मसाजिद ऐसी हैं जो हरारत और बात ऐसी गराबाद में कि जो वहां आबादी थी तो आबाद थी आबादी में भी गराबाद हो, लेकिन जहां आबादी हो जाए मस्जिद गराबाद हो तो वो बकरा और नाम में बसने वाले मुसलमान उसके जिम्मेदार। मस्जिद खानका